के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट, मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भिंड जिले की विधानसभाओं से जैसे लहार कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड, कांग्रेस से राकेश चतुर्वेदी अटेर, कांग्रेस से हेमंत कटारे गोहद, बीजेपी से पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य लहार, बीजेपी से अमरीश शर्मा, महगांव बीजेपी से राकेश शुक्ला के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी भिंड कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र भरवाए। साथ में मंत्री ओपीएस भदौरिया, कॉरपोरेटिव बैंक अध्यक्ष केपी सिंह, पूर्व खनिज मंत्री कोक सिंह नरवरिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता साथ में उपस्थित रहे। आइए वीडी शर्मा ने क्या कुछ बोला, सुनते हैं। तो मैं पहले तो भिंड के सभी प्रत्याशियों को जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है उन सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। और हमारे ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने समाज के क्षेत्र में जनता के लिए लगातार काम किया है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, इस काम के आधार पर आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भिंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय का इतिहास बनाएंगे। और इस बार ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। विकास और गरीब कल्याण, ये दो महत्वपूर्ण हमारे जो हमने मध्य प्रदेश के 2003 का बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय का, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो हर बूथ पर चुनाव लड़ने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की भूमिका में है और इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, कांग्रेस के अध्यक्ष वो कह रहे हैं जाके दिग्विजय के कपड़े फाड़ो। अध्यक्ष जी, ये बंटा ढार ने इस मध्य प्रदेश का जो बंटा ढार किया था, फिर इनकी पारिवारिक लड़ाई अपने बेटों की लड़ाई में कमलनाथ कहते हैं कि छिंदवाड़ा का टिकट कौन डिक्लेयर करेगा, तो नकुलनाथ करेंगे। ये कांग्रेस के हालात है, कांग्रेस जमीन पर कहीं बची नहीं है, केवल दुरावस्था का दौर लाने वाली वो कांग्रेस जो मध्य प्रदेश ने झूठ छल कपड़े की राजनीति करने वालों को पहचाना। उन्होंने पिछली बार भी झूठ बोला था, मत हमें ज्यादा मिले थे, 3-4 सीटों के कारण से गलती से इनकी सरकार बन गई थी।